से पहले सब लेके आदमी अपनी मर्जी का करने लगता है ओम गणानन्त्वा गणपति गों भवामहे निधीनन्त्वा निधिपति गों भवामहे प्रियानन्त्वा प्रियपति गों भवामहे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सह विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् जय गणेश देवा माता जति पार्वती पिता सन्तुलं गणपति बप्पा मंगल मूर्ति माला पहना देना हो आपको मना पहना ही नहीं तो और अच्छा लगेगा नहीं वो चलेगा नहीं को हम लोग कर लेंगे सर उसका प्रॉब्लम नहीं है चलिए 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 गणपति बप्पा मंगल मूर्ति हर हर महादेव सर हाँ इतना लंबा तो फोटो आएगा नहीं सामने देखिएगा फोटो जीतू भाई थोड़ा सा पीछे जाओ तो पूरा पीछे जाओ जीतू भाई थोड़ा सा आपका कैमरा तो हमारे फिल्म के डायरेक्टर साहब इंद्रजीत सिंह जी बताएंगे कैप्टन ऑफ द शिप आप क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को बताएंगे फिल्म जो आज की ऑडियंस है उनको ध्यान में रख के ये बनाया गया और टाइटल भी है मेरे महबूब तुझे सलाम तो ये रोमांटिक एक लव स्टोरी है इसी को ध्यान में रखते हुए ये फिल्म को आगे हम बढ़ा रहे हैं और स्टारकास्ट किस तरह से फाइनलाइज की गई अभी कुछ स्टारकास्ट फाइनल हुए हैं जैसे सनी कुमार सनिया जी जो भोजपुरी के सिंगर हैं सुपर सिंगर हैं और एक्ट्रेस पलक तिवारी जी और विलेन में गिरीश शर्मा जी जो 200-250 फिल्में कर चुके हैं अभी 3-4 लोग फाइनल करने बाकी हैं सर आप क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में और क्या हम जब हमारे डायरेक्टर साहब से बात हुई इन्होंने स्टोरी सुनाया बहुत अच्छी फिल्म है काफ़ी मैंने टाइटल से भी काफ़ी प्रभावित हुआ तो हमने पूछा कि हीरो कौन है तो हीरो सनी कुमार सनिया जी हैं जो बिहार से ही रहने वाले हैं बहुत अच्छे सिंगर हैं अभी काफ़ी ये लड़का राइज कर रहा है सबसे बड़ी ये बात है कि आज का उदयमान सिंगर है इस लड़के का व्यवहार बढ़िया है सम्मान देता है तो हम यही कहेंगे कि ये लड़का बहुत आगे बढ़ेगा और इंद्रजीत जी भी इसमें एक रोल कर रहे हैं हीरो का भी हैं प्लस ये डायरेक्टर भी हैं पलक तिवारी जी हैं इस ढंग से हैं और आप शैलेंद्र पाल जी ना हमारे जी जी क्या कर रहे हैं प्रेजेंट कर रहे हैं प्रेजेंटर हैं हमारे पॉपुलर म्यूजिक हमारे प्रेजेंटर हैं इस ढंग से हमारी टीम है अभी और कास्टिंग बाकी है इसमें एक हीरोइन और होगी और हमारा बेटा का रोल कर रहा है जो इसमें और जो लोग हैं करेक्टर इसमें और भरे जाएंगे जैसे ही डेट हम लोगों का तय होगा हम लोग इसकी शूटिंग यूपी में करने जा रहे हैं इलाहाबाद में करने जा रहे हैं सावन कुमार जी इसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं तो इस ढंग से तना बना बुना गया है इस इतने लोगों को बीच है ऐसे मैं इनके साथ एक और फिल्म किया हूँ जॉन जानी जनार्दन जो काफ़ी अच्छी फिल्म बनी है जिसके डायरेक्टर हैं यही इंद्रजीत पाजी ही और हमने रॉबर्ट्सगंज ओबरा रेणुकूट में एक पहाड़ की वादियों में शूटिंग हुई है बहुत खूबसूरत वहाँ लोकेशन है बहुत अच्छी कहानी थी तीन भाइयों की कहानी थी जॉन जानी जनार्दन जिसमें मैं सोलो विलेन था उसमें विधायक के करेक्टर में था उसमें भी पलक जी हमारे साथ
एज ए हीरोइन थी। तो यहाँ पे भी हमारी इनसे फिर इसमें हीरोइन है टीम को उन्होंने बरकरार रखा है, इसलिए मैं इनसे बड़े होने के नाते धन्यवाद दूंगा कि जो लोग इनके टीम में सहयोग किया उसको इन्होंने फिर याद किया। तो हम यही कहेंगे कि हमेशा फिल्म बनाते रहें, हम इनको सहयोग करते रहें, हमारी तरफ से पूरा सहयोग इनको मिलता है। थैंक यू, नमस्कार। पलक जी, आप क्या कहना चाहेंगे और किस तरह की फिल्म होगी, किस तरह का किरदार होगा? जी, जैसा कि टाइटल है मेरे महबूब तुझे सलाम, तो आप लोगों को पता ही चल रहा होगा रोमांटिक फिल्म है, और इससे पहले बनी फिल्म जो एक्शन थी जॉन जॉनी जनार्दन, तो उसमें मेरा एक डिफरेंट कैरेक्टर था ताड़ी वाली का, तो वो बहुत ही अच्छा कैरेक्टर था, बहुत अच्छा लगा मुझे वो कैरेक्टर प्ले करते हुए सर। और सर भी थे, गिरीश सर थे, तो इनके साथ फर्स्ट टाइम मैंने काम किया और बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ सर के साथ काम करके। अब ये वहाँ उस फिल्म से एकदम डिफरेंट स्टोरी है, और इस फिल्म का नाम ही है मेरे महबूब तुझे सलाम, तो हीरो है, हीरोइन है और रोमांस है। बाकी फिल्म बनने के बाद बताऊंगी आपको। आपका किरदार कैसा है, शहर की लड़की होंगे कि गांव की लड़की, किस तरह कुछ डिस्कस में? हाँ, एक नॉर्मल परिवार की जो लड़की है वो है, गांव की बोल्ड। हाँ, गांव की। गाने तो चार गाने हैं मेरे ऊपर। आपके आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताएंगे? आने वाली फिल्म अभी विवाह बंधन है, इसमें भी मैं हूँ, जिसके प्रोड्यूसर शैलेंद्र नागपाल जी हैं, और हीरो इसमें दीपक दिलदार जी हैं विवाह बंधन में। लगन पत्रिका मेरी आने वाली फिल्म है, ये प्रोड्यूसर सर है शैलेंद्र नागपाल जी, और इनकी पॉपुलर म्यूजिक कंपनी है, तो उसके कंटिन्यू में सॉन्ग्स वगैरह करती रहती हूँ, सर मुझे याद करते हैं और मैं वो सॉन्ग करती हूँ। अभी हम लोग सॉन्ग ही कर रहे थे पॉपुलर म्यूजिक का, होली का, तो अचानक से इंद्रजीत सर जी ने बोला कि अरे तुम लोग सॉन्ग कर रहे हो यहाँ पे, चलो मुहूर्त करते हैं और ये फिल्म है और आप लोग फाइनल हो। अचानक ही, हमें कुछ पता ही नहीं था कि हम लोग सच में मेरे महबूब तुझे सलाम में फाइनल हैं। जी नमस्कार, हम आप सबके छोटे भाई सनी कुमार सनिया, और आज बहुत अच्छा लगा था अपन फिल्म के मुहूर्त करके। अभी तो फिल्म के शूटिंग छोड़ के हम ही नहीं अपन फिल्म के मुहूर्त करें, और फिल्म के हमने के डायरेक्टर बने हमने के इंद्रजीत सिंह पाजी भैया, जो कि भैया का फिल्म है, और भी हम पहले बने जो ना फिल्म के नाम रहे मर जाएंगे मिट जाएंगे। हाँ, रिलीज पे है। हाँ, मर जाएंगे मिट जाएंगे, जो कि फिल्म वो पूरा रेडी हो चुका है, बहुत जल्द रिलीज़ होने वाली है, तो वो फिल्म भी भैया के साथ मैं किया हूँ, और ये भी फिल्म बहुत ही शानदार फिल्म बनने वाली है। और आप सबसे उम्मीद करते हैं कि जैसे हर फिल्म हर एक सॉन्ग को मेरे प्यार आशीर्वाद आप लोग देते हैं, इस फिल्म को भी आप लोग पूरा प्यार आशीर्वाद दीजिए, और मेरे पूरे टीम को आप लोग पूरा सपोर्ट करेंगे। इस फिल्म में आप कितने गाने गाने वाले हैं? अब फिल्म के हीरो तो सारा गाना लगभग मैं ही गाऊंगा, दो तीन गाना छोड़ के सभी गाना मैं ही गाऊंगा। एक गाना हो जाए अब इस फिल्म का गाना, तो जो आपका हिट गाना है वो गाना सुनाइए हम लोगों को। बहुत सारा हिट है, लेकिन उसमें से हिट में से एक गाना गा रहा हूँ। मुर्गा मोबाइल बन के चोली में बोला ताटे, दिन भर कर ताटे कुकु हो कु कि दहना खई बेरे मुर्गा कुकु हो कुकु। ये गाना मेरा बचपन का सबसे सुपर हिट गाना है। वाह, तमाम गाने हैं, लेकिन इस गाने का आप बहुत सारा प्यार से गा दिया, और उम्मीद करते हैं इस फिल्म को भी आप लोग पूरा प्यार आशीर्वाद दीजिएगा और सुपर डुपर हिट बनाइएगा। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे, आज दो दो फिल्म की मुहूर्त है जिसके निर्माता आप हैं, सब क्या कुछ बताएंगे, किस तरह से एक फिल्म आपको आपके पास आई थी? आप बोलिए, आज दो दो फिल्म की मुहूर्त है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे सर? एक तो ये भी है, मेरे महबूब ने ये सुना था कि विवाह बंधन, तो जैसे कि इन्होंने डॉक्टर साहब ने बताया कि एक तो रोमांटिक फिल्म है और एक फैमिली ड्रामा है, मतलब विवाह बंधन के अंदर हमने वो किया हुआ है कि वो फैमिली के साथ देखने वाला जिस तरह से होता है, उस तरह का हमने वो प्लान किया, तो उस तरह से ही बनाई। सर, इस फिल्म की शूटिंग कब से स्टार्ट करने का? अभी कहाँ कहाँ शूटिंग? अभी इसकी शूटिंग तो यूपी में होगी, लोकेशन वगैरह भी देखते हैं, और जल्दी से जल्दी जैसे ये फाइनल होता है जल्दी से जल्दी। ओके, और सर जैसे कहा गया है कि और भी स्टार कास्ट फाइनलाइज होना बाकी है, तो कोई ऐसा कोई चेहरा जो इस फिल्म के साथ जुड़ सकता है फ्यूचर? वो अभी चल रहा है उसका, और जैसे ही आगे हम आप लोग बता देंगे। हम लोग करीब सेकेंड
वीक में हम लोग जाने के सेकेंड वीक में, मार्च के सेकेंड वीक में जाने के लिए हैं। और जैसा कि इनसे मेरी बात हुई है, करेक्टर आर्टिस्ट और हम लोग सपोर्टिंग में जो भोजपुरी के स्तंभ हम लोग दो चार और लोग हमारे अलावा, वो सबको इन जोड़ने की इनसे बात हुई है, तो उस टाइम से चल रहा है। लेकिन करीब हम लोग 12-14 के बीच में हम लोग, जो मेरा डेट इन्होंने लिया है उसके बीच में हम ईपी में शूट करेंगे, क्योंकि मैं राम लखन बजरंगी की शूटिंग 13 तारीख से ईपी में कर रहा हूँ, तो उसमें जो गैप जो मिल रहे हैं वहीं पे भी शूट करेंगे, तो उसी गैप में हम इनसे हमारी यही डेट की बात हुई है। तो 99% उम्मीद है कि हम लोग उसी में कर रहे हैं सेकेंड वीक में, ताकि मौसम भी बढ़िया मिलेगा और सरसों का खेत वगैरह इस गाने में जैसा आपने देखा, तो वो सब मिलेगा हम लोगों को, तो हम लोगों का यही डिस्कस अभी तक यही है। थैंक यू सर, एसोसिएशन है पूरी टीम के साथ, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं मेरे महबूब तुझे सलाम के बारे में, तुझे सलाम के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि एक रोमांटिक फिल्म है जिसमें कास्टिंग के बारे में हमारे उन्होंने बताया भी डायरेक्टर साहब ने, और एक हमारी फिल्म है विवाह बंधन, वो अब इसकी स्टोरी वगैरह भी सब फाइनल ही है, और कास्टिंग के बारे में बताया तो दीपक गुलजार जी तो है और साथ में प्रदीप तिवारी है, बाकी अभी कास्टिंग फाइनल होनी है। और विवाह बंधन एक फैमिली ड्रामा की तरह एक फिल्म बनेगी, और जो कि मैं चाह रहा हूँ कि जो लोग मतलब परिवार में देख के सब लोग बैठ के देख पाए, तो मेरा हर बारी वही रहता है कि ऐसी फिल्म बनानी चाहिए, साफ़ सुथरी फिल्म, इसमें कोई भी मतलब परिवार है एक साथ बैठ के देख सकते। इससे पहले भी सर ने लगन पत्रिका फिल्म बनाई है, तो वो भी बहुत ही पारिवारिक फिल्म है जिसके डायरेक्टर आनंद सिंह जी हैं, और बहुत ही अच्छा स्टार कास्ट है उसमें, उसर की फिल्म है और लगन पत्रिका के बाद विवाह बंधन, ये दोनों ही टाइटल बहुत ही अच्छा है सर, बधाई हो आपको। स्टार कास्ट का भी एक स्टार कास्ट के बारे में जो बताया वो तो दो तीन लोग तो अभी फाइनल ही है, और बाकी अभी चल रहा है तो जल्दी से जल्दी फाइनल करना है इसको। सर पॉपुलर म्यूजिक के बारे में बताइए सर, किस तरह गाने आने वाले हैं? पॉपुलर म्यूजिक मतलब मेरा एक चैनल है उसमें, तो उसमें पैसे जैसे हमने अभी शुरू किया था, तो उसमें जो जैसे मतलब लोकगीत चल रहे हैं आपके, जो आजकल एक जो मार्केट में मेन वो है कि अच्छे गाने मतलब जिसमें साफ सुथरे गाने हैं जो वो अभी है, और अभी जैसे नागेंद्र उजाला जी को भी साइन किया हुआ है, अच्छा कुछ और लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शिल्पी राज जी हैं, उनके साथ भी हमने करने कुछ सॉन्ग करने हैं, अभी शूटिंग हुआ था यहाँ पे मुंबई में ही, तो सनिया जी ने ही किया था हमारे, दो दिन का चला था शेड्यूल, तो इस तरह के गाने बना। बड़ा खुशनुमा माहौल है आज, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज का दौर है सेटेलाइट का, तो विवाह बंधन और मेरे महबूब तुझे सलाम ऐसी फिल्में अगर हम बनाते हैं और ऑडियंस को अच्छी फिल्में देते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री जो है एक अलग मुकाम पर जाएगी। जितनी साफ़ सुथरी और रोमांटिक फिल्म हो, और भाई बचपन से इनका गाना सुनते आ रहा हूँ, और आज पहली बार मुलाकात हुई, और इंद्रपाल जी हमारे गिरीश भैया आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया, मुझे अच्छा लगा है, और अच्छी सभी पूरी टीम को मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि अच्छी फिल्में इसी लेवल की बनाएं। सबसे पहले तो सभी इस चैनल की टीम को नमस्कार, और इस फिल्म के सभी आर्टिस्टों को ऑल द बेस्ट। ये फिल्म का टाइटल बहुत अच्छा है, जैसे इन्होंने भी बोला कि हाँ अच्छी फिल्में बननी चाहिए, अब भोजपुरी में तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, और अपनी अपनी जगह पे हर चीज़ अच्छा है, चाहे फिर वो आर्टिस्ट हो या कॉस्ट्यूम हो या फिर कॉन्सेप्ट हो, तो ऑल द बेस्ट इस फिल्म के लिए सभी आर्टिस्टों को। मैं चाहता हूँ कि एक भाई के साथ एक गाना जो है एक गाना जो वो तो बचपन वाला था, अभी जवानी वाला सुना दीजिए गाना। सुनाइए गाना बढ़िया जमा चलो क्या? हाँ हाँ चलो ना। हाँ हमारे जान सुनर बड़ी चैन से, हम तो नहीं के मंगले रही अपना भगवान से, हम तो नहीं के मंगले रही अपना भगवान से, हमार जान सुनर बड़ी चैन से। क्या बात है, बहुत बढ़िया, क्योंकि मैं म्यूजिकल डायरेक्टर हूँ, म्यूजिक का सेंस रखता हूँ, तो मज़ा आता है मुझे संगीत से।
थैंक यू सो मच। दो फिल्मों का आज मुहूर्त हो चुका है, बहुत ही जल्दी शूट भी शुरू होने वाली है। क्या बोले, हमको तो ज़्यादा कुछ पता नहीं है सर के बारे में, जितना भी है। इंदर सिंह पाजी हैं, इंदर सिंह पाजी सर हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने एक पिक्चर किया हुआ है उनके साथ में, बहुत खुशी हुई उनके साथ काम करके, और आगे भी अच्छा काम करते रहे बस। सर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे फिल्म के पूरी स्टार कास्ट को? जी सबसे पहले तो आप मीडिया भाई और अपने दर्शक को प्रणाम नमस्ते। मैं जसवंत कुमार, और बड़ा ही खुशी का माहौल है कि आज दो दो फिल्मों का मुहूर्त है। मेरे महबूब तुझे सलाम और विवाह बंधन, और इसमें जो मैं आया हूँ, और कहीं ना कहीं इंदर सिंह पाजी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, छोटे भाई जैसे हैं, और बहुत दिन से हम लोग का दोस्ताना है। और मेरी तरफ से इनको, आल टीम को मैं ढेर सारी बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। इसमें सह निर्माता सीमा नागपाल जी हैं, और भी जो इस फिल्म से जुड़े लोग हैं, मैं सबको ढेर सारा आशीर्वाद प्यार देता हूँ। चूँकि टाइटल बहुत अच्छा है फिल्म का, मेरे महबूब तुझे सलाम, देखा जाए तो बहुत बड़ा हिट सॉन्ग है, और जहाँ की मतलब ये टाइटल किसी के भी जबान पे आ जाएगी, और विवाह बंधन भी एक मतलब कल्चरल टाइटल दिखता है। तो मेरी तरफ से ये उम्मीदें हैं कि इंदर पाजी जो है बहुत अच्छा काम करेंगे और अच्छा सिनेमा बनाएंगे। दूसरी बात कि इसमें मेरे महबूब तुझे सलाम में सनी कुमार सनिया जो है इसके लीड हीरो हैं, और बहुत ही एनर्जेटिक आर्टिस्ट। मतलब मैं 2010-11 में जो है सनी कुमार सनिया को लेके मेरे ख्याल से पहली फिल्म ही मैं बना चुका हूँ। तो इन्होंने जो एक्टर चॉइस किया है, सनी बहुत अच्छा परफॉर्मर हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं, उनका गाना भी बहुत बड़ा हिट हुआ है, और उनको भी ढेर सारा प्यार आशीर्वाद मेरी तरफ से, क्योंकि बहुत पहले मैंने ये आशीर्वाद दिया हुआ है, और आज भी ये उम्मीद करता हूँ कि वो बहुत अच्छा अभिनय करेंगे जो है इस फिल्म में। टाइटल के हिसाब से परफेक्ट है। सर आपकी फिल्म जनता दरबार कब देखेंगे? देखिए जनता दरबार आज ही उसका ट्रेलर जो है कट के इफेक्ट बैकग्राउंड मिक्स मैच हो गया है, और मेरे ख्याल से कल ही से आप लोग को दिखा सकता हूँ मैं। और ऐसी अफवाह है क्या पवन सिंह को लेके फिल्म बना रहे हैं? अफवाह नहीं, रियल है। पवन जी को लेके मैंने जो है पवन जी को मैंने साइन किया हुआ हूँ भाई, एक फिल्म बहुत जल्द वो भी अनाउंसमेंट हो जाएगा। चूँकि अभी भाई बाहर थे तो अब आए हैं, अब मुलाकात होगी, अभी होली होली गाना में बिजी हैं, और थोड़ा सा जैसे फुर्सत मिलता है तो सारी चीज़ों पर बात हो जाएगी। तो अभी चल रहा है दो दो प्रोजेक्ट और। तो आपकी उस जिस फिल्म में, जिस फिल्म में पवन जी हैं, एक्ट्रेस कौन होगी तो और बता सकते हैं? एक्ट्रेस और जितने को आर्टिस्ट है सब मालूम पड़ेगा, अभी सस्पेंस रहने दीजिए कुछ चीज़ें। पवन जी हैं उसमें, ये कंफर्म है। उसके बाद में एक और मनोज जी को लेकर कर रहा हूँ, मनोज आर पांडे जी को, जनता दरबार के बाद। तो और सारे आर्टिस्ट का बहुत जल्दी सब खुलासा किया जाएगा। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं शैलेंद्र नागपाल जी, जो कि इसके प्रोड्यूसर हैं, प्रेजेंट बाई पॉपुलर म्यूज़िक, अभी रिसेंटली मैंने उनके एल्बम सॉन्ग किए हैं, सो मेरी तरफ से तो उनके लिए शुभकामनाएं हमेशा से रहेंगी। और पलक तिवारी जी, शी इज़ अ गुड एक्टर एक्चुअली, एंड शी इज़ अ गुड फ्रेंड ऑल्सो। एंड विवाह बंधन ये फैमिली स्टोरी है, और जो हमारी ये पीछे जो फिल्म नज़र आ रही है, मेरे महबूब तुझे सलाम, सो ये फिल्म जो लव स्टोरी है, तो अच्छा लगा कि एक साथ दो दो फिल्मों का मुहूर्त भी हो रहा है, एंड हम लोग फिर से काम कर रहे हैं साथ में, सो जुड़ के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। आपकी तरफ से क्या शुभकामनाएं? प्रणाम नमस्ते सर, आप लोग को भी पहले, और पाजी सर और पलक जी ने सर बुलाया हमको, बहुत अच्छा लगा जी सर, और जो हमारे बेस्ट विशेष है उनके साथ, अच्छा से काम करें। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।